आज हम आपको मिलवाने वाले हैं ऐसी शख्सियत से जिसे कुछ समय पहले तक कोई नहीं जानता था, लेकिन आज वह किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। हम आपको मिलवाते हैं गुना शिवपुरी क्षेत्र के नए सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर केपी यादव से। क्या आपने सोचा था, मतलब इतनी बड़ी चुनौती, एक तिलिस्म आपने तोड़ दिया है जिसको बड़े बड़े धुरंधर जो भारतीय जनता पार्टी के थे वो नहीं तोड़ पाए, तो कैसा प्रतीत हो रहा है? देखिए, मैं आज एक ऐसी पार्टी में हूँ जिसका स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, और वाकई में पिछले 5 साल में जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है देश के लिए, देश की जनता के लिए, वो कोई नहीं कर सकता। आज देश को एक वाकई ऐसे ही प्रधानमंत्री की ज़रूरत थी। उस पार्टी से जुड़ा, उस पार्टी में काम किया मैंने, और आज नतीजा आपके सामने है। क्या चुनौतियाँ थी आपकी चुनाव लड़ने से पहले यहाँ के लिए? चुनौतियाँ कोई बहुत विशेष नहीं थी, क्योंकि आज से 2 साल पहले हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि 29 में से 27 सीटें हमने पहले भी हासिल की थी और इस बार हमें 29 की 29 सीटें हासिल करनी है। तो छिंदवाड़ा और गुना के लिए उनके कुछ स्पेशल प्लान्स थे, उस पर करीब 1-1.5 साल से काम चल रहा था। मैं जब से इस पार्टी में आया था मैं भी उस प्लान का एक हिस्सा था, और जैसे ही विधानसभा चुनाव निपटा था उसके बाद एक 16 लोगों का क्लस्टर टीम बनाया था, उसका भी मैं सदस्य था, और हम लोगों ने काम किया, पूरे लोकसभा का भ्रमण किया, सबको अलग अलग ड्यूटियाँ दी गई थी, उसमें जहाँ का मुझे जहाँ भी जो भी काम दिया गया, जहाँ का प्रभारी बनाया, हम वहाँ गए, जो कमियाँ थी वो देखी। और स्टार्टिंग से ही मैं तो कह ही रहा था कि जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो इस लोकसभा में 8 विधानसभा आते हैं, अगर 8ों विधानसभाओं का कैलकुलेशन लगाया जाए तो 16,400 वोटों से हम ऑलरेडी जीते थे लोकसभा। तो जाहिर था कि अगर और मेहनत की जाए तो ज़रूर हम बहुत अच्छे वोटों से इस सीट को निकाल लेंगे। जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? जीत का श्रेय सीधे सीधे तो जनता को जाता है, क्योंकि ये चुनाव जनता ने लड़ा है, जनता का ये चुनाव था। बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ, पूरे समर्पण के साथ लगा हुआ था, और कहीं ना कहीं इस जीत का सबसे ज़्यादा श्रेय माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने इन 5 साल में जो काम किए हैं, चाहे वो गरीब से गरीब लोगों का जीवन का स्तर कैसे सुधारा जाए उसमें काम करना हो, चाहे अपने राष्ट्र का पूरे विश्व में गौरव कैसे बढ़े, और कुछ कठोर निर्णय उन्होंने वाकई ऐसे लिए जिससे देश का सम्मान बढ़ा है पूरे विश्व में। और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की जो योजनाएँ थीं उनसे हर गरीब को, हर किसान को, कहीं ना कहीं हर परिवार को लाभ मिला। जब 4-5 महीने पहले हमारी सरकार चली गई और कांग्रेस की सरकार आई तो लोगों ने फर्क देखा कि बीजेपी में और कांग्रेस में क्या अंतर है, तो कहीं ना कहीं उसका लाभ भी मिला। जो अपने पहले तैयारी करी होंगे, होमवर्क जिसको कहते हैं, तो आपने ऐसे कुछ सोच के रखे थे 5 काम जो आते ही आप जनता के लिए करेंगे? बिल्कुल, मैंने हर अपने सभा में बोला है यहाँ काम के लिए बहुत बहुत संभावनाएं हैं, यहाँ उद्योग के नाम पर कुछ भी नहीं है। इस लोकसभा में 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, तीनों में अपार संभावनाएं हैं, यहाँ उद्योग बहुत ज़रूरी है ताकि यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिल सके, यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत कमियाँ हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफ़ी कमी है, यहाँ क्योंकि मुख्य व्यवसाय जो है लोगों का खेती है इस क्षेत्र में, ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो इरिगेशन की यहाँ बहुत आवश्यकता है, अगर सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था कर दी जाए तो यहाँ का किसान बहुत ही खुशहाल हो जाएगा। तो ये 3-4 तो बड़े मुद्दे हैं जिन पे काम करना ही करना है, और जो जनता की मूलभूत सुविधाएँ हैं कई जगह तो वो भी आज की तारीख में उपलब्ध नहीं है। तो मैं भी जैसा नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है कि गरीब से गरीब व्यक्ति को किस तरह लाभ मिले और बड़ी से बड़ी योजनाएं कैसे अपने क्षेत्र में ला सकूं, उनके पदचिन्हों पर चलते हुए मैं प्रयास करूंगा कि अपने क्षेत्र का विकास कर सकूं। क्या मास्टर प्लान है आपके दिमाग में, आप किस तरह से इन चीज़ों को इनिशियल स्टेज पर ला पाएंगे? देखिए, पहले भी मेरा प्रयास यही रहता था, क्योंकि मैं एक राजनीतिक परिवार से आता हूँ, जनसेवा मेरे परिवार में 3-4 पीढ़ियों से जब से मुझे बताया गया है हमेशा जनसेवा में आगे रहे हैं, चाहे मेरे पिताजी रहे हों या दादाजी या उसके पहले भी, जितना मैं सुनते आया हूं और मुझे भी वही संस्कार मिले हैं कि किस तरह से लोगों की मदद की जाए। आज भी मेरे दिमाग में कई चीज़ें हैं, जब मैं दूसरी पार्टी में था तब भी हमेशा मेरा प्रयास रहता था, मैं जिला योजना समिति में भी रहा,
कि किस तरह से इस क्षेत्र में विकास हो, किस तरह से क्या क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं। हमेशा मैं जिला पंचायत में, अभी मेरी वाइफ सदस्य हैं, जिला पंचायत की मीटिंग हो या जिला योजना की मीटिंग हो, उनमें भी मैंने प्रयास किया है अपने स्तर पे कि किस तरह से यहाँ के लिए कुछ कर सकूँ। आज भी कई चीज़ें हैं मेरे दिमाग में, अभी भी मैं कलेक्ट्रेट से आ रहा हूँ तो मैडम से बात करके आ रहा हूँ, जो चीज़ें अभी तक रुके हुए थे, जो काम जो वाकई होना चाहिए उनके ऊपर भी मेरा डिस्कशन हुआ है, जो फ्यूचर विज़न है उसके ऊपर भी मेरा डिस्कशन हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ हर छोटे से छोटे अधिकारी से भी परिचित हूँ और एसपी कलेक्टर से भी बहुत अच्छे से परिचित हूँ, क्योंकि कई जन सेवा के मामलों में हमेशा मेरी उनसे बातचीत होती रही है। और अब अगर ईश्वर ने और पार्टी ने मुझे ये दायित्व सौंपा है और मैं इसमें सफल भी हुआ हूँ, तो अब बिल्कुल जो सपने इस शहर के हैं, जो नौजवानों के सपने हैं, उन्हें मैं साकार करूँगा। पहले जब आप कांग्रेस में थे तो आपने कभी सोचा था आपको इतना अच्छा मुकाम मिल पाएगा? इतना अच्छा तो नहीं, पर हाँ मुझे भरोसा था कि इस क्षेत्र के लिए कुछ करना है, और मैं वहाँ था तब भी प्रयास करता था और कई जगह मुझे सफलता भी मिली। और आप चूँकि ईश्वर ने और मेरी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में मुझे इतनी बड़ी जवाबदारी दी है, तो बिल्कुल मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं ईश्वरवादी हूँ और आशावादी हूँ। कई चुनाव पापा ने लड़े, उन्होंने कई हारे जीते, मैंने भी कुछ चुनाव लड़े, कईयों में मुझे सफलता नहीं मिली, आज मुझे सफलता मिली है, तो मैं हमेशा आशावादी हूँ, आगे बढ़ता हूँ और काम करता हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी जो टीम है, जो लोग मेरे साथ हैं, वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और हम इस क्षेत्र के लिए कुछ बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। क्या कारण रहे आपके कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के, क्योंकि आप वहाँ पे मास्टर प्लानर थे और सारे जितने भी चुनाव होते थे आप ही उनको देखते, तो क्या कारण रहे उनको छोड़ने का? मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, कुछ पर्सनल कारण भी रहे जिनके कारण मुझे पार्टी छोड़नी पड़ी, पर मेरा लक्ष्य एक ही था, जनसेवा। तो मेरा ये मानना है कि एक रास्ता बंद होता है तो 10 रास्ते खुलते हैं। क्योंकि मैं ईश्वरवादी हूँ और आशावादी हूँ, तो मुझे पता था कि ठीक है, एक रास्ता बंद हुआ है तो ईश्वर दूसरा रास्ता खोलेगा, और मैं आगे बढ़ता चला गया और आज इस मुकाम पे आ गया। एक रूमर बहुत जोर से चला था कि आपको सेल्फी लेने से मना कर दिया था, ये कारण है, तो कहाँ तक उसमें क्या सच्चाई है? मैं जो हो गया वो वहाँ पीछे नहीं जाना चाहूँगा, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। अच्छा, एक वो आपके जब आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, क्योंकि आप दिलो जान से कांग्रेस में लगे हुए थे, तो छोड़ने के बाद घर वालों की क्या प्रतिक्रिया थी? बनी बात है, मेरा परिवार कांग्रेसी रहा है, तो पापा को तो बहुत बुरा लगा था जब मैंने कांग्रेस छोड़ी, क्योंकि मैंने उनको बिना बताए ये निर्णय लिया था। हालांकि इस निर्णय में मेरी धर्मपत्नी का पूरा सहयोग था, मेरे भाइयों का सहयोग था, मेरी फैमिली का, मेरे फ्रेंड्स का सहयोग था, क्योंकि हम लोग कुछ करना चाहते थे इस क्षेत्र के लिए। तो हाँ, पापा को थोड़ा बुरा लगा था। आपको लगता है कि मंत्रिमंडल में आपको जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने वो काम किया है जो बड़े बड़े महारथी गुना में नहीं कर पाए? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि ना ही मैंने टिकट की मांग की थी, शीर्ष नेतृत्व ने मुझे इस लायक समझा और मुझे टिकट दिया, मैंने अपनी जवाबदारी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई। आगे पार्टी जो चाहेगी, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, मैं हर चुनौती लेने के लिए तैयार हूँ। उन्हें अगर ये लगेगा कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, जैसी जवाबदारी वो देंगे मैं उस जवाबदारी के लिए तैयार हूँ। कई सालों से गुना का नेतृत्व सिंधिया परिवार कर रहा था, और पहली बार ऐसा हुआ है कि परिवार को छोड़ के कोई अन्य व्यक्ति सांसद बनाए, तो जो पिछले कार्य छूट गए हैं, जो रहना होना चाहिए थे गुना में, जैसे कोई उद्योग नहीं लग पाया या काफ़ी और भी चीज़ें, तो उनको आप कैसे और कितनी जल्दी कर पाएंगे? लोगों को आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं इस बार। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा शीर्ष नेतृत्व, अगर मुझे उन्होंने ये दायित्व दिया है, तो वो पूरी पूरी मेरी मदद करेंगे और ज़रूर मैं इसमें कामयाब होऊंगा, क्योंकि लोगों के बहुत सपने हैं, लोगों ने बहुत उम्मीदों से मुझे चुना है, बहुत बड़ी जवाबदारी है, पर मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे शीर्ष नेतृत्व मेरा पल पल पे सहयोग करेगा और इस क्षेत्र का वाकई जो विकास होना चाहिए था वो इन 5 साल में सभी को दिखेगा। अच्छा, जैसे शीर्ष नेतृत्व बोलते हैं कि दोनों पार्टियों में विचारधारा का बहुत अंतर है, तो कैसे आप इसमें सामंजस्य बिठाएंगे, क्योंकि अभी भी कांग्रेस से आए हैं और बीजेपी की अलग मानसिकता, अलग विचारधारा होगी, तो इसको किस तरह से आप मैनेज कर पाएंगे? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट बता दूं कि मेरा परिवार सिंधिया परिवार से बहुत जुड़ा रहा है। मेरा भी जो जुड़ाव था वो माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से था। लक्ष्य मेरा एक ही था, राष्ट्र सेवा, जन सेवा।
वो आज भी है। मैं माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का प्रतिनिधि रहा तो तब भी मेरा हमेशा मेरी कोशिश रही कि उनका जो भी काम है वो बहुत अच्छे से करूं, पर जन सेवा को ध्यान में रखते हुए। आज भी मेरा वही लक्ष्य है कि मैं जन सेवा करूं, राष्ट्र हित में काम करूं, लोगों के हित में काम करूं, पर इस क्षेत्र का विकास हो। और चूंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र को प्रथम लेके चलती है, धर्म को लेके चलती है, तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया है और आप मेरे पुराने इंटरव्यू या किसी से भी पूछ सकते हैं, मैं ईश्वरवादी हूँ, राष्ट्रवादी हूँ, आशावादी हूँ, तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई एडजस्ट करने में। और मैं बिल्कुल पानी की तरह हूँ, घुल मिल गया हूँ, और मेरा लक्ष्य एक ही है कि किसी तरह इस क्षेत्र का विकास हो, राष्ट्र हित में मैं अगर काम आ सकूं, जो भी मेरे से हो, तो ईश्वर मेरे कर्म ऐसे रहें कि मैं राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। पता लगा है कि जब आपको टिकट नहीं मिला था कांग्रेस से, उस समय आप काफ़ी नाराज़ हो गए थे, और जब बीजेपी जाएंगे तो कुछ घर में दिक्कतें भी आई थी, आप घर छोड़ के भी शायद चले गए थे, ये सही है क्या? एक्चुअली कोई भी बच्चा हो या कोई भी आम इंसान हो, किसी को अगर कुछ करने की चाहत हो और वहाँ अगर दिक्कत आए तो थोड़ी सी निराशा होती है। और मुझे एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना था कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, इसलिए एक दिन के लिए मैंने आत्ममंथन किया, मैंने काफ़ी सोचा समझा, कई लोगों की राय ली कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या ठीक होगा, क्या मैं जो डिसीजन लूँगा उससे मैं अपने क्षेत्र का भला कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो उसके लिए थोड़ा सा समय मैंने अपने आप के लिए निकाला था, और मैं बहुत जल्द डिसीजन लेता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चुनौतियाँ लेनी चाहिए। अगर आप सिर्फ सोचते ही रहें और कोई चुनौती लेके काम ना करें तो कोई मतलब नहीं है। तो मैंने एक दो दिन का समय अपने आप के लिए लिया था और उसमें मैंने निर्णय लिया कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, और मैं आगे बढ़ा। आपको शुरू से ही कमजोर उम्मीदवार कहते थे, बल्कि ये तक कहा गया कि सिंधिया ने अपने प्रतिनिधि को खड़ा किया है डमी कैंडिडेट के रूप में, लेकिन जो आपने एक मुकाम हासिल किया है, तो उसके बाद कभी सोचा था इस तरह से इतना ज़्यादा आप कर पाएंगे यहाँ पे? देखिए, मुझे पूरा भरोसा था, टिकट चाहे मुझे मिलता या किसी को भी मिलता, मैं अपनी पार्टी के लिए काम कर रहा था और मुझे पूरा भरोसा था कि इस बार ये सीट बीजेपी जीतेगी। मैंने डे वन से, जब टिकट नहीं हुआ था तब भी मीडिया से मेरा इंटरेक्शन हुआ था तब भी मैंने यही कहा था, जिस दिन मेरा टिकट हुआ उस दिन में भी मैंने मीडिया से यही कहा था, जिस दिन मैं फॉर्म भरने गया शिवपुरी में तब भी मीडिया से मेरा इंटरेक्शन हुआ तब भी मैंने यही कहा था कि हमारी जीत लाखों में होगी। और मुझे पूरा भरोसा था क्योंकि हम लोगों ने काम किया था, बीजेपी के हर कार्यकर्ता ने जी तोड़ मेहनत की थी, और मुझे पूरा भरोसा था कि लोग कुछ भी कहें लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो सबको दिखेगा। आप शुरू से जमीनी कार्यकर्ता रहे, अब सांसद बन गए हैं, तो ये जो आप प्रैक्टिस करते थे, डॉक्टर हैं आप, तो वो कैसे फिर मैनेज करेंगे? क्या आप उसको कुछ टाइम के लिए विराम दे देंगे या सिर्फ राजनीति करेंगे? अभी भी मैं पिछले 10-12 साल से सक्रिय राजनीति में हूँ, और अभी साल दो साल से तो बहुत ज़्यादा सक्रिय हूँ, लेकिन हाँ फिर भी जब भी समय मिलता है, मेरी हॉबी है इसीलिए मैं डॉक्टर बना। आज भी मैं पेशेंट देखता हूँ, क्षेत्र में भी जब जाता हूँ तो कई लोग वहाँ भी मुझे अपनी तकलीफें बता देते हैं, मैं तुरंत दवाई लिख देता हूँ, तो ठीक है, ये तो चलता रहेगा। पर हाँ, बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाऊँगा, पर हॉस्पिटल या मेडिकल लाइन ये भी एक बहुत बड़ी जनसेवा है, और मेरा प्रयास होगा कि इस क्षेत्र में मेडिकल सुविधाएँ बहुत अच्छी उपलब्ध करा सकूँ मैं, ये मेरा हमेशा प्रयास रहेगा और आगे भी इसको जारी रखूंगा। अशोकनगर के लोगों को आपसे बहुत सारी अपेक्षा होंगी निश्चित ही, क्योंकि आप पास में ही रहते हैं और पहले जो सांसद थे उनसे मिलने में काफ़ी लंबा समय लग जाता था, तो उनको आप कैसे सुलझा पाएंगे, कितनी जल्दी आप उनको रेक्टिफाई कर पाएंगे? कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं अपने लोगों के बीच में हूँ और जैसा मैं था वैसा ही रहूँगा। और चूँकि मैं बहुत छोटे गाँव से आता हूँ, रुसल्ला मेरा गाँव है यहाँ से 27 किलोमीटर दूर, उसके बाद मेरा यहाँ एजुकेशन हुआ, फिर इंदौर हुआ, फिर नागपुर हुआ, फिर मैं डॉक्टर बन के भी यहाँ आया, पहले ये एक हॉस्पिटल खोला, फिर दूसरा हॉस्पिटल खोला, फिर मैं राजनीति में आया, जिला पंचायत सदस्य बना, फिर मैं सांसद प्रतिनिधि भी बना, फिर विधानसभा भी लड़ा और अभी लोकसभा लड़ाऊँ,
पर आपको शायद कोई नहीं कहेगा कि मुझ में कोई चेंज आया है। जैसा मैं बचपन में था वैसा ही आज हूँ, जैसा मैं पहले लोगों से मिलता था वैसे ही आज मिलता हूँ। हाँ, जवाबदारियाँ बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ईश्वर की कृपा से मैच्योरिटी भी बढ़ती जा रही है, और मुझे पूरा भरोसा है कि सारी चीज़ें अपने आप ईश्वर ठीक करता जाएगा। यहाँ मूलभूत सुविधाओं की काफी कमी है अशोक नगर में, तो उसको आप कैसे जल्दी से निपटा पाएंगे? कई चीज़ें हैं जिन पे काम बहुत जल्द होना चाहिए। आज भी मैं कलेक्टर मैडम से मिलके उन्हीं बारे में आया था, तो मेरा प्रयास होगा कि विद इन 6 मंथ्स या विद इन 1 ईयर यहाँ पे आपको बहुत चेंज दिखेगा। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जो आपके पुराने मित्र हैं? उनके लिए संदेश देने बहुत लोग हैं, मैं तो एक आम संदेश देना चाहूँगा कि राष्ट्र से प्रेम करें, ईमानदारी से काम करें। मैंने जिस दिन बीजेपी ज्वाइन की थी, उस दिन पहला जो मेरा स्टेज पे इंटरेक्शन जनता से हुआ था मुंगावली में, तब भी मैंने यही कहा था कि जब तक मैं उस पार्टी में था पूरी निष्ठा और ईमानदारी से मैंने वहाँ काम किया था, और आज जब मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ तो पूरी निष्ठा पूरी ईमानदारी से अपने 100% दूंगा, और पार्टी के हित में और देश हित में जो मेरे से बन पड़ेगा वो करूँगा। पूर्व सांसद ज्योतिराद सिंधिया हमेशा बोलते थे कि उन्होंने ये ट्रेन चलाई वो ट्रेन चलाई, क्या आप भी कोई ट्रेन अशोकनगर से चलवाएंगे? देखिए, ट्रेन चलाना, लाइट गांव-गांव पहुंचाना या रोड गांव-गांव पहुंचाना, ये एक सतत प्रक्रिया है, ये होती ही है और होती ही रहेगी, चाहे मैं सांसद बनूं या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बने या कोई भी बने। आज देश का हर गांव रोडों से जुड़ गया है, क्योंकि माननीय अटल बिहारी जी योजना लेके आए थे, उनका एक सपना था कि हमारा हर गांव पक्की रोड से जुड़े। लाइट आज शायद देश के हर गांव में पहुंच गई है, कनेक्टिविटी देश के हर कोने में बाई रोड बाई ट्रेन बढ़ती जा रही है, तो बनी बात है ट्रेन्स भी आएंगी, रूट भी डबल होगा, इलेक्ट्रिक होगा, तो ये चीज़ें तो स्वाभाविक है, सिर्फ मेरे ही क्षेत्र में नहीं सभी क्षेत्रों में होंगी। मेरा प्रयास ये होगा कि कुछ ऐसे काम करूं जो वाकई लगे कि इस क्षेत्र के लिए किए गए। क्या संदेश देना चाहेंगे आपके गुना शिवपुरी और अशोकनगर की जनता के लिए? जैसा प्यार स्नेह और विश्वास उन्होंने मुझ पे दिलाया है, हमेशा इतना ही आशीर्वाद वो मुझे हमेशा देते रहें, ताकि मुझे शक्ति मिले कि मैं इस क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, और नई यूथ जनरेशन के लिए मैं कुछ ऐसा कर सकूं कि उनमें आत्मविश्वास जागे कि वो भी इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं, इसी मातृभूमि में पैदा हुए हैं, वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं बिल्कुल चाहूँगा कि आने वाली पीढ़ी और आगे आए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, चाहे वो राजनीति हो या अन्य ब्रांचेस हों, सब में आगे बढ़ें। इस क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे कई फील्ड्स में आगे निकले हैं, यहाँ के बच्चे दिल्ली बॉम्बे इवन फॉरेन में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मजिस्ट्रेट हैं, IAS IPS ऑफिसर बने हैं, वाकई यहाँ के बहुत बच्चे हैं जो कई जगह काम कर रहे हैं, वो इस क्षेत्र का नाम रोशन करें, और मेरा प्रयास होगा कि वाकई में इस क्षेत्र को पूरे देश में ही नहीं सभी जगह जाना जाए, इतना मैं कुछ यहाँ के लिए कर सकूँ। अच्छा, एक एक प्रश्न और। जब आप सिंधिया के पहले प्रतिनिधि थे और आप एकदम से उनके सामने लड़ रहे थे चुनाव, तो कभी आमना सामना हुआ तो कभी कुछ फीलिंग आई है, जैसे आपको मतगणना स्थल पे या कहीं भी टकराए हो तब कुछ फीलिंग्स थी दिल में? नहीं, ऐसा तो कहीं मेरा कोई उनका आमना सामना नहीं हुआ है। हाँ, जब काउंटिंग चल रही थी, जब हर राउंड की गिनती हो रही थी, तब कुछ जगह का इतना आश्चर्यजनक परिणाम आया कि वहाँ कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इनमें ऐसी कौन कौन सी गलतियाँ रहीं कि वाकई में जनता ने बहुत बुरी तरह से नकारा है इनको, तो क्या कारण ऐसा रहा कि गुना में, शिवपुरी में, अशोकनगर में, कई पोलिंग्स में, कई क्षेत्रों में वाकई में कांग्रेस को बहुत बुरी तरह से नकारा गया है। तो मैं भी प्रयास करूंगा कि उनमें जो कमियां थीं वो मैं देखूं कि वो मुझ में वो कमियां ना रहें, और क्षेत्र के लोगों की जो अपेक्षाएं रहती हैं, जो उम्मीदें रहती हैं एक जनप्रतिनिधि से, मैं वो पूरी कर सकूं, क्योंकि ये जनता ही है, ये प्रजातंत्र है, जनता चाहे उसको बना सकती है, जनता जिसे चाहे उसे मिटा सकती है, जनता ही आज का ईश्वर है इस प्रजातंत्र का, तो उनके ही हाथ में सब कुछ होता है,
तो मेरा प्रयास होगा कि मैं जनता के बीच में रहूं, उनकी बात सुनूं और उनके जो सपने हैं उनको साकार कर सकूं। सिंधिया के प्रतिनिधि आप भी थे, तो गलतियां आपको भी दिखी होंगी, क्या गलतियां रहीं क्या नहीं? मैंने आपसे कहा कि मैं किसी भी पर्सनल चीज को लेकर कमेंट नहीं करूंगा। सांसद के बारे में बात कर रहे हैं। कई चीजें थी, कई चीजों के बारे में उनसे डिस्कशन होता था। मेरे हिसाब से वो गलत पार्टी में है, सौ बात की एक बात, मतलब उन्हें पार्टी ना तो उनके यहाँ लीडर है ना ही लीडरशिप है। इस बारे में मेरा उनसे कई बार डिस्कशन हुआ था, लगे तो आप उनसे पूछ भी सकते हैं, क्योंकि जिस पार्टी में अच्छा लीडर ही नहीं है वो पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। हमारे साथ गुना शिवपुरी अशोकनगर जिले के नए सांसद, जिन्होंने परिवारवाद या कहें तो सिंधिया घराने को यहाँ से चलता कर दिया। इन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी गलतियों के चलते गुना की जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया। बाकी इन्होंने ये भी कहा कि सिंधिया गलत पार्टी में, आदमी गलत नहीं है।